मुंबई की किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा, आंदोलन खत्म नहीं होगा, ये संघर्ष लंबा चलेगा। राकेश टिकैत का बयान, किसानों से बात करने के लिए सरकार अभी भी तैयार नहीं है। सरकार तोड़ने की कोशिश कर रही है लेकिन हम टूटेंगे नहीं। शहीद किसानों को मुआवजा दे सरकार, ये मांग एक बार फिर से राकेश टिकैत की तरफ से रखी गई। इंतजार करना, नंबर सबका आएगा। पहले पंजाब को खालिस्तान नहीं बताया, फिर लाल झंडे को माओवादी बताया, फिर हरियाणा के लोगों को उग्रवादी बताया, फिर अगर पश्चिम के लोग आए उनको जातिस्तानी बताया, अलग अलग तरह के नाम लिए, तो फिर हम समझ गए कि ये सबको एक एक को तोड़ने की कोशिश कर रहे। हम एकजुट रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। हम सरकार अभी धोखा कर रही है, अभी सचेत रहने की जरूरत है। अभी सरकार ठीक लाइन पे बातचीत को नहीं आई, सरकार षड्यंत्रकारी है, वो धोखेबाज है, वो बेईमान है, वो भी किसान समाज को, मजदूर को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। किसानों को कैसे नीचा दिखाकर इनको घर भेज दिया जाए? अभी उनका प्लेटफॉर्म साफ नहीं है, उनके मन साफ नहीं है, अभी वो बातचीत करने को कोई तैयार नहीं है। संसद सत्र से ठीक एक दिन पहले मुंबई में किसान महापंचायत हुई। यहां एमएसपी पर कानून बनाने की मांग की गई। इस महापंचायत में 100 से ज्यादा किसान संगठनों ने शिरकत की। महात्मा ज्योतिराव फुले की पुण्यतिथि के मौके पर मुंबई के मौलाना आजाद मैदान में किसानों ने महापंचायत की। इस महापंचायत में 100 से ज्यादा किसान संगठनों ने शिरकत की है। महापंचायत में एमएसपी स्वामीनाथन रिपोर्ट और बेरोजगारी सहित किसान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का मुद्दा बहुत पहले हल हो जाता, लेकिन पीएम मोदी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। टिकैत ने कहा कि किसान अभी भी अपनी 6 मांगों पर अड़े हैं, जिससे जुड़ी चिट्ठी पीएम मोदी को भेजी जा चुकी है। एमएसपी गारंटी कानून, 750 किसान सही हुए कंपनसेशन, मुकदमे हो रहे वापसी और पे कमेटी बनेगी। जो सीड बिल लाना चाहते हैं, देश की कृषि को बीज कंपनी के हाथों बेचना चाहते हैं, वो नहीं होगा। मुंबई के आजाद मैदान में आज 10,000 से ज्यादा किसान पहुंचे और मंच से उनके नेताओं ने अपनी बात रखी। मुंबई के आजाद मैदान पे ये विशाल मोर्चा आप देख सकते हैं, किस तरह से यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है और ये भीड़ है किसानों की। यहाँ पर 10,000 से ज्यादा किसान आपको बैठे हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से यहाँ पर आए, हर जिला से यहाँ पर लोग आए हुए हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।